रिलायंस जियो को बाजार में आए हुए करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं। इन 2 सालों में जियो ने टेलीकॉम बाजार के करीब 19% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी कुल उपभोक्ताओं की संख्या में दूसरे स्थान पर आ गई है। इंटरनेट और कॉलिंग के सस्ते ऑफर्स और फ्री सेवाओं की वजह से रिलायंस जियो का कस्टमर बेस लगातार बढ़ता रहा है और जुलाई के महीने तक जियो उपभोक्ता के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हाल में आई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार जून में कुल वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 114.64 करोड़ थी, जो जुलाई के महीने में बढ़कर 115.70 करोड़ उपभोक्ताओं पर पहुंच गई, यानी करीब 1.06 करोड़ उपभोक्ताओं की बढ़त हुई है। अगर सभी टेलीकॉम कंपनियों के कुल सब्सक्राइबर बेस को देखें तो जुलाई के अंत तक पहले स्थान पर 34.48 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ एयरटेल है। जियो ने वोडाफोन और आइडिया को पीछे छोड़ते हुए 22.70 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। तीसरे स्थान पर वोडाफोन 22.33 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ है और 22.06 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ आइडिया चौथे स्थान पर है। जुलाई के महीने में रिलायंस जियो ने 1.17 करोड़ से ज्यादा नए ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ा है, जो बाकी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। बढ़ते कस्टमर बेस की वजह से जियो के मार्केट शेयर में भी बढ़त देखने को मिली है, जो 18.8% से बढ़कर 19.62% पर पहुंच गया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते महीने NCLT की मंजूरी के बाद आइडिया वोडाफोन देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है, जिससे टेलीकॉम बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा इनके ही पास है। उज़ैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।